করে যা না আমি সব আর এখানে দাম দাও করে দি মা আমি বললাম দেখ লো খালি থোড়ি জায়গা আমি আর বেট করব আর কি কেউ দিই মারো মতি আরে আরে আমি মারনে কামই নেই হ্যাঁ ই পকড়ো আপ তো मेरे वीडियो देखना आप खुद बोलोगे क्या हमने ये स्नेक्स रेस्क्यू तो कर लिया है और ये बार बार बाइट कर रहा है। एक झोपड़पट्टी में था ये, इसने कुछ खा रखा है तो ये भी हमें बाइट करेगा बार बार। तो ये काफी उग्र होता है और हमने कई बार इन स्नेक्स को पकड़ा है और ये बाइट में एक नंबर होता है। इस सांप को हम बोलते हैं, ये देखिए बहुत उग्र। लो भैया इधर आ जाओ, पकड़ लो, पकड़ जा इसको, रेस्क्यू कर। अरे मैं बैठा हूँ ना, आपके नहीं खाएगा ये, आपके नहीं खाएगा ये, क्या इसका जोश ठंडा करना पड़ेगा। फिर इसकी जानकारी पूरी दूंगा मैं आपको, इस सांप की जानकारी देके जाऊंगा ताकि आपको डरने की जरूरत नहीं हो, ठीक है ना। इधर चल दो, इस सांप की मैं जानकारी दे दूंगा आपको तो कभी भी होगा ना डरने की जरूरत नहीं है। ये जो है ना विषहीन सांप है, इसमें जहर नहीं होता है लेकिन ये काटने की क्षमता बार बार रखता है। तो क्या होता है, पब्लिक डर जाती है, जैसे रात में खा के चला गया, ठीक है। ये बदबूदार पदार्थ छोड़ता है बहुत भयंकर। इसके अंदर क्या होता है, विष दंत नहीं होते, जहर का एक भी बूंद नहीं होता है इसके। लेकिन अगर एक बाइट करके अंदर घुस गया अचानक तो आप डर जाओगे, यार सांप जहर वाला है क्या, तो फिर क्या होता है, आदमी डर के मारी मर जाता है। जहर से नहीं मरता, जहर से मरने में टाइम लगता है लेकिन डर से आदमी का जान चली जाती है। इस सांप में जहर 1% नहीं होता है, ये सिर्फ इंसान को खा रहा है, ये बार बार बाइट करता है। तो मानो बाइट करके घुस गया, आपको तो लगेगा ना जहरीला, पर ये नॉन वेनम मसाला, एक बूंद भी जहर नहीं है। क्या एक बूंद भी इसके अंदर जहर नहीं होता है। तो ऐसा कभी अगर सांप दिखे और बताए किसी खा जाए तो डरने की जरूरत नहीं, कोई उपचार करने की जरूरत नहीं, इजीली रहो, बढ़िया रहो, पैर हेर धो लो, आपको कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि डर के मर जाए, टेंशन आ जाए। बाकी ये क्या है कि खाता बहुत बार बार है, इंसान डरता है, खा रहा है बार बार तो कहीं जहर ना हो, इसमें जहर नहीं होता। ये कलर पहचान लो आप इसका, तो डरने की जरूरत नहीं। अच्छा, खाता बहुत खतरनाक है। नहीं नहीं तो बताना जरूरी है ना दीदी।